नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गजाला प्रवीण और आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। देवघर में चोरों की नजर बैंक पर, सेंट्रल बैंक जटाही शाखा में चोरी का प्रयास, जांच में जुटी पुलिस। विहंगम योग संस्थान ने 25 यूनिट किया रक्तदान, लोगों से भी रक्तदान करने की अपील। राष्ट्रीय युवा जनता दल ने बरियार बांधी में किया बैठक, बूथ कमेटी और संगठन मजबूती पर दिया जोर। और हैप्पी संडे में लोगों ने खुलकर की मस्ती, कहीं रंगोली तो कहीं होता रहा डांस। अब खबरें विस्तार से। देवघर में बीती रात दो चोरों ने देवघर कॉलेज कैंपस स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चोरी का प्रयास किया, लेकिन अचानक सायरन बजने से दोनों चोर बिना बैंक में चोरी के फरार हो गए। जानकारी के बाद एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जटाही ब्रांच पहुंचे। एसडीपीओ ने बैंक के पदाधिकारी व कर्मी से चोरी के संदर्भ में पूछताछ की। फिलहाल पुलिस बैंक के ब्रांच में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। वहीं एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्द ही चोर सलाखों के पीछे होगा। देवघर कॉलेज परिसर में सेंट्रल बैंक का ब्रांच है, जिसमें दो चोरों द्वारा खिड़की तोड़ के घुस के चोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन अलार्म बजने की वजह से वो लोग हड़बड़ी में छोड़ के भाग गए। कैसे उसने कुछ चोरी नहीं कर पाए, ग्रिल जो है उसको काट कर वो आया, कोशिश कर रहा था, इस बीच में अलार्म बज गया है और वो लोग तहकीकात कर रहे हैं। क्या लगा सीसीटीवी फुटेज में, सीसीटीवी फुटेज अभी देख रहे हैं, उसको कोई संदिग्ध है कि नहीं, उसके बाद ही आगे हम लोग को सही होगा काम। ब्रह्मा विद्या विहंगम योग संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पुराने सदर अस्पताल परिसर स्थित रक्त अधिकोष में आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 25 यूनिट खून दिया गया। विहंगम संस्थान के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस मौके पर संस्थान के संयोजक प्रदीप कुमार, आश्रम प्रतिनिधि सह उपदेष्टा सुखदेव यादव, सह संयोजिका अनीता कुमारी, पूर्व प्रचार नागेश्वर शर्मा, दिलीप ठाकुर, डॉक्टर मनोज गुप्ता, आशीष कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। इससे यह हम संदेश देना चाहते हैं कि हर किसी स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड डोनेट करके वैसे रोगियों की प्राण रक्षा करनी चाहिए जिन्हें ब्लड की ज़रूरत है, जिनकी ज़िंदगी ब्लड के अभाव में खतरे में पड़ जाती है। यही मुख्य संदेश है और यह बड़ा ही पुनीत कार्य है। रक्तदान सबसे महादान है आज के समय में, जबकि रक्त की कमी हर जगह जो है ब्लड बैंक में हो रही है। ऐसे में इस शिविर का आयोजन अगर किया गया है तो विहंगम योग संत समाज प्रशंसा के पात्र हैं और हम इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और हम इस कार्य से जुड़े हुए हैं, विहंगम संत समाज से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों के देख रेख में यह कार्य सम्पन्न हुआ। किया जा रहा है हमारे परम पूज्य संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज की जब जयंती है, उसी के उपलक्ष्य पर हम लोग जो है विहंगम योग संत समाज देवघर जिला के द्वारा ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित किया गया है। इसके अंतर्गत हमारे जितने भी गुरु भाई, गुरु बहन या और भी अन्य जो जिज्ञासु व्यक्ति हैं, वो सभी लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और भी लोग आ रहे हैं, ब्लड डोनेट करेंगे। लगभग अभी 25 यूनिट हो चुका है, उम्मीद करते हैं कि और भी यूनिट बढ़ेगा। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल नगर कमेटी ने बरियार मामले को लेकर सामुदायिक भवन में एक बैठक किया, जिसमें महानगर जिला अध्यक्ष देवनंदन झा, जिला प्रवक्ता प्रदीप चौधरी उप मुन्ना चौधरी, राजीव झा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में पार्टी विस्तार और संगठन मजबूती के साथ बूथ लेवल को मजबूत करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए। युवा महानगर अध्यक्ष देवनंदन झा ने बताया कि युवा राष्ट्र शक्ति है और चुनाव में इनका अहम रोल होता है। उन्होंने बताया कि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें लालू जी के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना और पार्टी को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य है। वहीं प्रवक्ता ने राष्ट्रीय जनता दल के संगठनात्मक विस्तार के लिए बैठक आयोजित की है, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के संगठनात्मक विस्तार के लिए और आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए
वार्ड नंबर 33 में हम लोगों ने वार्ड कमेटी गठन करने के लिए ये बैठक आहूत किया है, जिसमें आज वार्ड 33 के युवाओं को सूचीबद्ध करके वार्ड में जनसंपर्क चलाने और जनता तक माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के संवैधानिक बातों को पहुंचाने के लिए विस्तार से चर्चाएं हो, इस पर आज हमारी विशेष ध्यान रहेगी। इसी संदर्भ में हम लोगों ने आज बैठक आहूत किया है। शक्ति राष्ट्र शक्ति होता है। जिस तरह किसी मकान का भविष्य उसका नींव तय करता है, उसी प्रकार राज्य का, देश का भविष्य युवा लोग ही तय किया करते हैं। युवा जैसा संस्कार बनाएंगे, जैसा मेहनत करेंगे, वैसा ही परिणाम सामने आएगा। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है। आज क्या कार्यक्रम होगा? राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी की नीति सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाने एवं राष्ट्रीय जनता दल के संगठन को मजबूत करने तथा देवघर विधानसभा एवं गोड्डा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बूथ कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में आज देवघर नगर निगम के वार्ड नंबर 33 में सभी युवाओं के साथ बैठक आहूत की गई है और संगठन को मजबूत करने पर एवं बूथ कमेटी बनाने पर निर्णय लिया जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। टास गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी हीरा अनमोल रिश्तों के लिए www.zoriatas.in Zoriatas। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देवघर में इन सिनर्जी इवेंट ने तनावपूर्ण जिंदगी से लोगों को बाहर करने के लिए रामकृष्ण मिशन रोड में हैप्पी संडे कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के तहत रामकृष्ण मिशन रोड में जुम्बा डांस, योग, पेंटिंग, कराटे व खेल का आयोजन किया गया। हैप्पी संडे कार्यक्रम में बच्चे, युवा से लेकर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जुम्बा डांस में बच्चे से लेकर युवा झूमते नजर आए, वहीं बच्चे से लेकर अभिभावक भी योग, पेंटिंग, क्रिकेट, फुटबॉल खेलते नजर आए। इस कार्यक्रम को लेकर बच्चे व युवाओं में खासा उत्साह व आनंद दिखा। समाज में स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं होता है, टेंस लाइफ है। बच्चे भी अपने पढ़ाई से, अपने अभिभावक भी, सारा लोग टेंशन में रह रहा है। इसी बीच में एक सोच टेंशन फ्री लाइफ के बारे में सोचते हुए सामाजिक हैप्पी संडे का कार्यक्रम कर रहा है। बच्चा भी, उनके साथ के अभिभावक भी, सारे लोग जो लोग पूरा टेंशन फ्री, कुछ टाइम के लिए भी कम से कम तनाव से हटकर टेंशन फ्री एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आज यहाँ देवघर झारखंड में हैप्पी संडे हो रहा है। यहाँ पर हमने बहुत इंजॉय किया क्योंकि यहाँ पर जुम्बा डांस हो रहे हैं, रोड्स पर कलरफुल चॉक से ड्राइंग्स, पेंटिंग्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर टग ऑफ वॉर गेम्स और बहुत सारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं। यहाँ पर सभी बच्चे और सभी लेडीज वगैरह भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आज सुबह सुबह योगा भी होता है, तो अभी अगर योगा और बहुत सारी जितनी भी एक्टिविटीज है उसको ट्राई करना है। और हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए। हम लोग को ऐसा नहीं है कि हर समय व्यस्त रहना चाहिए, हर समय काम करते रहना चाहिए। सभी को इंजॉय करने का भी हक है। और बस वही आप देख सकते हैं कि सारे कितने इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बड़े सभी हैं। यहाँ हमारा योगा जोन है, क्रिकेट जोन है, ड्राइंग जोन है, उसके अलावा डांस, जुम्बा, सैक रेस। और हम लोगों ने यहाँ पे देवघर में महाविद्या आयोजन समिति द्वारा 18वें पुस्तक मेला को लेकर स्थानीय स्कूल के सभागार में बैठक की गई।
युधिष्ठिर राय की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पुस्तक मेला तैयारी की समीक्षा की गई। इस मौके पर विस्तृत जानकारी देते हुए पुस्तक मेला प्रभारी आलोक मल्लिक ने बताया कि 18वें पुस्तक मेला का आयोजन 19 जनवरी से 30 जनवरी तक होगा। हर साल की भांति इस साल भी आर मित्र स्कूल परिसर में पुस्तक मेला लगेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यह पुस्तक मेला महात्मा गांधी को समर्पित होगा। आज की बैठक 18वें देवघर पुस्तक मेला की तैयारियों के विषय में है। विदित हो कि 19 से 30 जनवरी 2019 हम लोगों का 18वां देवघर पुस्तक मेला प्रस्तावित है और इस पुस्तक मेले की तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं हम लोग। लगभग 30-35 प्रकाशक आएंगे इस मेले में। बहुत वृहद तरीके से होगा। गांधी जी के 150वीं जयंती जो सारा राष्ट्र मना रहा है, हम पुस्तक मेला भी गांधी जी की 150वीं जयंती को ही समर्पित कर रहे हैं। पूरा पुस्तक मेले का थीम गांधी जी के चित्रण से महफूज होगा। लोग गांधी जी के दर्शन को देख पाएंगे। बहुत सारे कार्यक्रम उनके दर्शन के अनुसार होंगे और विद्यार्थियों, महाविद्यालय के छात्रों सबके अनुकूल पुस्तकें इस बार पुस्तक मेला में उपलब्ध होगी। आप चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे छात्र हों, चाहे युवा हों, सबको सामग्री मिलेगी। हम अपील करेंगे सब लोग आए, पुस्तक मेले का फायदा उठाएं। मधुपुर स्टेशन से एक बुजुर्ग का शव बरामद किया गया है, जिसे जीआरपी ने पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक नवी मियां मधुपुर के पेसरगढ़ा का रहने वाला था, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वो बाजार में रहकर ही अपना जीवन बसर करता था। अचानक रविवार उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना जीआरपी द्वारा उसके परिजनों को दिया गया, जहां परिजन स्टेशन पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए देवघर ले आए। ये इधर उधर मांगता खाता था सर, मार्केट में इधर उधर मांगता खाता था। कभी मुसाफिर खाना में सो गया, कभी प्लेटफार्म में सोया इधरे उधरे, इसलिए घर पर ये नहीं रहता था। पूरा ग्रामीण इसको थक गया घर में रख रख के। इसका दिमागी हालत थोड़ा ठीक नहीं था। आप क्या देखें? आज सुबह में सूचना मिला कि आपका पिताजी डेट कर गया। कहाँ पर? तो प्लेटफार्म के बगल में उधर डाउन डाउन के पास, 6 नंबर प्लेटफार्म डाउन के पास वो डेट कर गया। जब हम लोग गए देखने के लिए तो देखें ऐसे पेटकुनिया पड़ा हुआ था। फिर उठा उठा के देखें तो देखें मृत्यु पाए उनको। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तो आप बने रहिए कांचा न्यूज के साथ। देवघर में चोरों की नजर बैंक पर, सेंट्रल बैंक जटाही शाखा में चोरी का प्रयास, जांच में जुटी पुलिस। विहंगम योग संस्थान ने 25 यूनिट किया रक्तदान, लोगों से भी रक्तदान करने की अपील। राष्ट्रीय युवा जनता दल ने बरियार बांधी में किया बैठक, बूथ कमेटी और संगठन मजबूती पर दिया जोर। और हैप्पी संडे में लोगों ने खुलकर की मस्ती, कहीं रंगोली तो कहीं होता रहा डांस। जोरियाटास गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, हीरा, अनमोल रिश्तों के लिए www.zoriatas.in। जोरियाटास।